इट्स योर बॉयज कैनल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी तक ट्रेलर नहीं देखा, ये है पोस्टर, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। ट्रेलर देखोगे तभी मजा आएगी, और मैंने उसमें सब कंटेंट डाल दिया, जो जो मैं कंटेंट शूट करने वाला हूँ वो सब डाल दिया उसमें। देखिए, मैंने वादा किया था कि मेरे को बस अपलोड करना है, तो मैंने अब ये सोचा हूँ कि हर हफ्ते दो वीडियो आएगी, एक मंडे को और फ्राइडे सैटरडे या थर्सडे कभी भी आ सकती है, तो या हर हफ्ते में दो वीडियो आएंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखना। मैं ना ऐसा फ़ोन पर टाइम पास कर रहा था, और तभी हमारे एक सब्सक्राइबर का मेरे को मैसेज आया, तुम देखो यहाँ पर, तुमको दिख रहा होगा। हमारे सब्सक्राइबर ने जैसे बोला कि भाई प्लीज़ रोस्ट, और आपका हुक्म सर आंखों पर, अगर आपको भी लगता है कुछ कंटेंट मेरे को रोस्ट करना चाहिए तो प्लीज़ DM कर दिया करो, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो यार इस वीडियो अभी मजा आएगा ना भिड़। तो आज हमारी सबसे पहली वीडियो होने वाली है, इंडिया के सुपरस्टार के गाने रिलीज हुए, पहले गाना ये पोस्टर है, कांटा लगा, जी हाँ सुपरस्टार का। ये कम था तो इसके पीछे हमारी फेवरेट ढिंचैक पूजा का भी गाना आया, गाने का नाम है ये जाऊं मैं प्लेन में। क्या लगा को मार्केट किया गया था बॉलीवुड बिगेस्ट कोलैब का। मैं नहीं मानता। एक मिनट, इसमें तो यो पाजी भी है। मुंह की बात छील ली। जी कक्कड़ खानदान को छोड़ो, आपको ऊपर जाना है, नीचे नहीं। राजा तेरे महल के पीछे 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 हक दिया। जिसे भी क्या ही एक्सपेक्ट करे, जिसका भाई टोनी कक्कड़ हो। नेहा दीदी भी उनके भाई की तरह एक लाइन पर अटक जाती है, तुम देखो। Stop it. Get some help. देखो दोस्तों, यहाँ दीदी काढ़ी भी बनने की जगह निब्बी भी बन गई है। आय हाय, नजर ना लगे तुझे भोसड़ी। हाँ दीदी, जिस तरह से आपने एक गाने में इतने कपड़े चेंज किए, काश आप थोड़ी लिरिक्स चेंज करती, लेकिन नहीं, इनको नहीं, तुम्हारे गाने चलूने। क्या क्या बोल रहे, नेहा गाने ऐसे नहीं लिखती। तो जी बबलू बोल रहे कि नेहा दीदी ऐसे गाने नहीं लिखते, तो अपन चेक करेंगे कि किसने ऐसा लिखा है। तो अभी चेक करते हैं, देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन किसके ने क्या लिखा है। सॉन्ग टोनी कक्कर, लिरिक्स टोनी कक्कर, अच्छा मतलब लिरिक्स भी इसने लिखा है, म्यूजिक भी इसने लिखा है, फिर मिक्स भी टोनी कक्कर ने ही किया है, फीचरिंग टोनी कक्कर, मतलब टोनी कक्कड़ का कमाल ये है। तो मैं बोलूं, जहां जहां टोनी जाएगा वहां अच्छे अच्छे गानों के लग जाएंगे। नाइस। अब देखा हूं करते रहता तेरी माँ का भरोसा। इन बात तो आपको बताना ही भूल गया कि जी हाँ, बैकग्राउंड और सॉन्ग और मतलब जो सीन है वो सब कॉपी किया गया है, वो ये गाने से तुम यहाँ पर देख सकते हो। गजब तू भी बाज आदमी। 132 एक्शन। रानी मेरे महल के पीछे 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 के सीट पे वो डॉग शॉट मारने का। किधर किधर बोले तो टोनी कक्कर के गाने में। गानों की इज्जत रख ली,
वरना कुछ नहीं था ये गाने में। तो मैं बता दूं, पाजी मेरे बचपन के फेवरेट रहे, कहां पाजी ने लेजेंड गाने दिए और कहां पाजी ये गाने दे रहे। एक क्रिंज वीडियो और सॉन्ग हो उससे अच्छे कमेंट होते हैं वहां पर, तो चलो कमेंट्स देखते हैं। पहले की तरह टोनी कक्कड़ ने इस बार भी अपने पुराने गाने के लिरिक्स इसमें डाले हैं। कड़ के कानों पे नाचे लड़की जरा भी सोई ना, नपलियों उई मा। कक्कड़ के गानों पे लड़की जरा भी सोई ना, घंटा ठीक से देख वो लड़की सोई नहीं, उसके रातों की नींद उड़ा दी तेरे गानों ने। कंदी टोनी कक्कड़ के भाई की फड़े, कंदी टोनी कक्कड़ चल बे तू हमारा बॉस। अर्ज करना चाहूंगा, इस साल का घटिया गाना है काटा लगा, इस साल का घटिया गाना है काटा लगा, सुनकर बबलू इनके गाने इनकी गांड पर दो चाटे लगा। बस भाई और नहीं झेल सकते हम इनके गाने, बस पूरे गाने में यही चल रहा है, काटा लगा उइमा उइमा उइमा, मैं नीचे थी ऊपर थी उइमा उइमा उइमा, यही चल रहा है भाई। कितना काटा लगा, किधर लगा, ऐसी जगह पे जो हर जगह उइमा उइमा कर, तू समझा? हाँ। नहीं तो ढिंचैक दीदी के गाने पर कॉपीराइट आते तो शायद आगे जाकर अगर साउंड चेंज हुआ तो समझ लेना कि कॉपीराइट का इशू है। गाने का नाम है जाओ मैं प्लेन में, तो चलो तुम और मैं साथ में जाते हैं प्लेन में इनके गाने देखने। अभी मजा आएगा ना भिड़, मतलब इतना बोलना पड़ेगा, सेल्फी मैंने ले ली कि स्कूटर से कार से लेके अब दीदी की तरक्की हो रही है, दीदी अभी एरोप्लेन पर आ चुकी है, तुम देखो। जाऊं मैं प्लेन में, प्लेन में, प्लेन में, रहूं फ्रेंड लेन में, लेन में, लेन में, पैसा मेरी जेब में, जेब में, जेब में, हेटर सारे जेल में, जेल में, जेल में। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तो भाई क्या गाने लिखे, मतलब क्या लिरिक्स लिखी है, जाऊं मैं प्लेन में, रहूं मैं स्ट्रेट लेन पे, पैसा मेरी जेब में, हेटर्स मेरे जेल में। जाऊं मैं प्लेन में, प्लेन में, प्लेन में, रहूं फ्रेंड लेन में, लेन में, लेन में, पैसा मेरी जेब में, जेब में, जेब में। बैठूं फर्स्ट क्लास में, डॉलर भी है पास में, रोलेक्स मेरे हाथ में, जीसस मेरे साथ में। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, पर ढिंचैक दीदी के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है कि ढिंचैक दीदी इज बेटर देन टोनी कक्कड़। सही में फर्स्ट क्लास रोलेक्स हाथ में, नाइस। घर मेरा पेरिस में, ऑफिस मेरा टैरिस पे, पार्टी कर क्रूज में, पीयू सिर्फ जूस में। कुतुब मीनार को पेरिस समझकर पेरिस देख लिया होगा, इसीलिए गानों पर लिख दे रहूं मैं पेरिस। बोल सकता हूँ कि टोनी कक्कड़ इज वर्स देन द ढिंचैक पूजा, एटलीस्ट टोनी कक्कड़ तीन वर्ड लेके पूरे गाने बना देता है, पर ढिंचैक पूजा, हम ढिंचैक पूजा हमारी जो पूरे गाने नहीं पूरे गाने बना रही है लिरिक्स के साथ, थोड़े भी थोड़े बहुत राइम भी हो रहे हैं। लिमोजिन कार में, डिनर सेवन स्टार में, ढिंचैक मेरे नाम में, स्वैग मेरे काम में। शट अप, जाऊं मैं प्लेन में, प्लेन में, प्लेन में, रहूं फ्रेंड लेन में, क्या बोला तूने, रहूं फ्रेंड लेन में, लेन में, साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। भाई बस और इससे ज्यादा नहीं, वरना सर पर आयोडेक्स लगाना पड़ेगा। तो या सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब
और शेयर कर दो। आने वाली दो वीडियो बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के करीब है बहुत ज्यादा, तो वो आएगी जैसे ही, तुम देख लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब मचा।